जिला हमीरपुर के गांव दिलोट में दर्जी की छोटी सी दुकान चला रहे बदन सिंह की बेटी शिवाली ने नालागढ़ में हुई प्रदेश एथलेटिक्स प्रतियोगिता अंडर 18 वर्ग में 1500 मीटर एवं 3000 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करके न केवल 2 स्वर्ण पदक जीते बल्कि अपने माता पिता गांव व जिला का नाम रोशन करने के साथ साथ अन्य युवाओं के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि यदि सही दिशा में कड़ी मेहनत की जाए तो सीमित संसाधनों एवं विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। जिला हमीरपुर के गांव दलोट में दर्जी की छोटी सी दुकान चला रहे बदन सिंह की बेटी शिवाली ने नालागढ़ में हुई प्रदेश एथलेटिक्स प्रतियोगिता अंडर 18 वर्ग में 1500 मीटर एवं 3000 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करके न केवल 2 स्वर्ण पदक जीते बल्कि अपने माता पिता गांव व जिला का नाम रोशन करने के साथ साथ अन्य युवाओं के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यदि सही दिशा में कड़ी मेहनत की जाए तो सीमित संसाधनों एवं विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। नालागढ़ में हुई चैंपियनशिप में मैंने 1500-3000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता और मैंने इसके लिए कड़ा प्रयास किया था। श्री रजनीश शर्मा जी मुझे प्रैक्टिस करवाते हैं। अब मैं पूरे देश के पहले देश में मेडल लेना चाहती हूँ, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल लेना चाहती हूँ। मैं पूरे हमीरपुर बल्कि हमीरपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। पिछले 4 वर्षों से शिवाली को प्रशिक्षण दे रहे उनके प्रशिक्षक रजनीश शर्मा का कहना है कि शिवाली बेहद मेहनती एवं प्रतिभाशाली धाविका है और उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वे देश व प्रदेश के लिए सम्मान प्राप्त करेगी। मैं रजनीश शर्मा यहां पे अणु के ग्राउंड में जो वो एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करवाता हूं। हाल ही में संपन्न राज्य स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में मेरी स्टूडेंट शिवाली ने 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया है। शिवाली ठाकुर जो कि बहुत ही अच्छी धाविका है, पिछले 3-4 वर्षों से लगातार प्रैक्टिस कर रही है और मेरे को पूरा विश्वास है कि वे आने वाले दिनों में प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश में जो हिमाचल का नाम रोशन करेगी।